तो सर इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं सैंपल रेज्यूमे का। ऑल्दो ये आपको हमारी वेबसाइट पे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। सर सही सुन रहे हो सर, हमारी वेबसाइट का कुछ पेजेस लाइव होने हो गए हैं और कुछ चीज़ें लाइव होने वाली हैं। तो सर ये आपको हमारे नीचे लिंक पे आप जाओगे वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें से रूबरू कराना चाहूँगा सर। तो ज़रा उन चीज़ों को ध्यान से रखना और उन चीज़ों को ध्यान से नोट करते जाना, ताकि आप जब आप डाउनलोड करो उस सैंपल को तो आपको भरपूर फ़ायदा मिले। तो यार बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम, इसको अपने नाम से रिप्लेस कर देना है। ये मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है 9044565066, इसको अपने नाम से, अपने नंबर से इसको रिप्लेस कर देना है सर एज इट इज़। यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, इसको ऐसे ही एज इट इज़ रिप्लेस कर देनी है। फिर यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मेंशन करना है उसके जस्ट नीचे, इस लाइन के नीचे यहाँ पे, कि गोल क्या है आपका। अगर आप आर्टिकलशिप आपको मिल जाती है तो वो आर्टिकलशिप आपको क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, इसका जो है आपको जवाब लिखना है। सर एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैक्सिमम एक से दो लाइन होनी चाहिए, ये एक से दो लाइन से ऊपर लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ट्राई करना कि अपने आप से लिखो बहुत, और सेंड आपके स्पेसिफिक हो और आपकी दो ट्रेट्स को एटलीस्ट दर्शाए। दो ट्रेट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सर आप लोगों की ये हो कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो, डिसीजन मेकर हो, किस तरह की ट्रेट है वो इसमें ज़रूर दिखनी चाहिए। एटलीस्ट दो ट्रेट दो ऑब्जेक्टिव के साथ ज़रूर दिखनी चाहिए। फिर सर उसके बाद नीचे मैंने क्वालिफिकेशन हाईलाइट डाल रखी है, वो आपको बिल्कुल डालनी चाहिए। जैसे लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो सर मैंने अपना सी ए फर्स्ट ग्रुप जो जब क्लियर किया था तो कॉस्ट एफएम और टैक्सेशन में मेरी 2014 में आई थी एग्जेम्पशन, तो उसको डिस्टिंक्शन बोलते हैं। तो सर इसको जो है मैंने हाईलाइट कर रखा है, अगर आपने सर ध्यान दिया हो तो मैंने उसको क्या कर रखा है, अरे मिटर जा भाई, इसको मैंने बोल्ड कर रखा है। आपने अगर ध्यान दिया हो सर इसको मैंने बोल्ड कर रखा है, तो बिल्कुल ऐसे ही बोल्ड आप करना चाहिए आपको दिखाने के लिए। फिर दूसरी चीज़, मैंने सर डेटा साइंस का कोर्स किया हुआ है, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ आपको बताया हुआ है, तो मैंने उसके बारे में लिखा हुआ है कि सर नॉलेज ऑफ ड्राइंग इनसाइट थ्रू, अरे भाई, नॉलेज ऑफ ड्राइंग इनसाइट थ्रू प्रिडिक्टिव एनालिसिस, डेटा विजुलाइजेशन और फलाना ढिमकाना, जो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे सर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि टेक्निकल स्किल। यहाँ पे आप लोगों का रेज्यूमे अगर खाली है तो आपके भाई ने बहुत अच्छी खासी वीडियो की सीरीज़ डाल रखी है सर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें मैंने सिखा रखा है कि MS Excel कैसे सीख सकते हो, SAP के बारे में बता रखा है, SQL के बारे में बता रखा है। बाकी अगर इन सारी चीज़ों के बारे में भी अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा। टैबलू, R, SQL, Python, NoSQL, SAS, ClickSense, ये सारी चीज़ें मैंने सीख रखी हैं सर, तो ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को, अगर आप चाहोगे तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी सिखा दूंगा सर, ठीक है। अब बात करते हैं सर कि नॉलेज पर व्यू। अब ये क्या चीज़ है जो ये मैंने मेंशन कर रखी है, वो बहुत ही क्रिस्प है, जो आप लोग दिखाते हो कि आप लोगों को क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, ये किस बेसिस पे है सर। बेसिकली अगर आप लोग सपोज अपनी, ये बहुत ही अच्छा यूटिलाइज हो सकता है अगर आप लोग अपना चेंज करके जा रहे हो पहली फर्म से दूसरी फर्म में जा रहे हो, तो बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है। तो अगर आप फर्म चेंज कर रहे हो अपनी, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि वो चीज़ यहाँ पे लिखना, यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करना गोल के नीचे, जो भी फर्म चेंज कर रहे हो या जो भी एक्सपीरियंस है वो गोल के नीचे आएगा ये यहाँ पे, और अपना सबसे लेटेस्ट से लेके सबसे पुराना वाला इस तरह से उसको लिखना, फिर क्वालिफिकेशन हाईलाइट लिखना, फिर आगे शुरू करना। तो सर जैसे मेरी नॉलेज पर व्यू है, मतलब अगर आपको एक रेज्यूमे का एकदम शॉर्ट वर्जन देखा जाए तो आपको क्या क्या अगर स्किल्स आती हैं अगर देखा जाए, तो मुझे ये सारी चीज़ें मुझे आती थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। अगर आपने एक्सेल वगैरह कोई भी ऐसा कोर्स बहुत ही अच्छा कर रखा है, सर्टिफाइड हो आप, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखना कि लाइक डिसीजन मेकिंग आती है आपको, और ये सारी चीज़ें अगर आप नेट पे थोड़ा टाइम लगाना। लोग क्या करते हैं सर, जो रेज्यूमे होता है, अभी आप लोग भी क्या करोगे, बहुत सारे लोग ये करोगे कि जो रेज्यूमे होगा वो डाउनलोड करोगे और एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दोगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है मेरे भाई।
अगर आप लोग रेज्यूमे में अपना टाइम नहीं लगा रहे हो तो आप विश्वास मानिए, आप जगह जगह केवल अप्लाई करते रहोगे, नहीं होगा। और जो मैं आप लोगों को सैंपल दिखा रहा हूँ सर, केवल और केवल एक पेज में, चाहे आप जितने भी बड़े हो, मैक्सिमम एक पेज में आपका बहुत अच्छे से दिखाया जा सकता है कि आपने क्या काम किया हुआ है। सर मेरा अभी भी रेज्यूमे मैं एक पेज का ही बनाता हूँ, ऑल्दो मैंने काफ़ी जगह काम कर रखा हुआ है, काफ़ी चीज़ों में काम कर रखा है, तो इस तरह से ठीक है। फिर जो आपकी एजुकेशन है, लाइक मैंने बिजनेस एनालिटिक्स किया है UPS देहरादून से, MBA फिनेंस किया हुआ है सिम्बियोसिस डिस्टेंस लर्निंग से, बैचलर कॉमर्स किया है इस यूनिवर्सिटी से। अगर आपने कोई कोर्सेज एक्स्ट्रा करे हुए हैं जो कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको इस तरह से लिखना है इस हेडिंग के अंदर कि जैसे मैंने जो कर रखा था डेटा साइंस का कोर्स, मैंने वो डाल रखा है। F1 F9 है जो आपको फिनेंशियल मॉडलिंग सिखाती है, इस पर मुझे एक वीडियो बनानी है, ये आपको मैं एक वीडियो ज़रूर बना के बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है। गुड, लाइक मैंने गूगल एनालिटिक्स गूगल एडवर्ड का कर रखा है, तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर दिखानी चाहिए अगर आप लोगों ने कर रखी है। और मैं ये कहूँगा कि सर टेक्निकल स्किल आप लोगों को एक्स्ट्रा ज़रूर करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी काम आए, बट बाद में ज़रूर काम आएगा। फिर पब्लिकेशन, अगर आपने कोई कर रखी है, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखा है या कोई आर्टिकल पब्लिश कर रखा है, वो ज़रूर दिखाना। लाइक मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखा था, वो मैंने डाल रखा है। फिर अगर आपने अगर कोई प्रोजेक्ट खुद से, अगर आप जैसे अपना पास करके कॉलेज पास करके जाते हो, फिर CA कर रहे होते हो, तो आप लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट किए होते हैं, तो सर मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो वो प्रोजेक्ट डाल रखे हैं ठीक है। कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं डाली हुई है। आपने देखा कि केवल एक पेज में मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है बहुत कम चीज़ों में। तो फॉन्ट यही ट्राई करना, फॉलो करना सर, क्योंकि ये रीडेबल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रीडेबल फॉन्ट है मैंने चूज़ किया सर। अगर आपको मैं बताऊँ तो ये रेज्यूमे मैंने बनवाया था लगभग 2,500 रुपये दे के, अपना रेज्यूमे बनवाया था, बट मैं आप लोगों को ये सैम्पल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि कैसे रेज्यूमे बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस तरह का रेज्यूमे अगर आप लोग सर्च करोगे सर, तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सिवाय हमारे YouTube चैनल पे और हमारी वेबसाइट के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलेगा सर ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक्स्ट्रा मिनरल एंगेजमेंट, अगर आपने कोई जीता हो, कोई जैसे मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश रिप्रेजेंट किया था IMI में, IMI कॉन्फ्रेंस होती है उसमें किया था, तो सर एक आप लोगों को वो मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ कि मैंने मार्केटिंग कॉन्क्लेव जीती थी, वो दिखा रखा है। मेरा YouTube चैनल के बारे में मैंने दिखा रखा है नीचे की तरफ, क्योंकि क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से किसी का हो तो वो नीचे की तरफ दिखाना, ना कि बहुत ऊपर की तरफ दिखाना। लेकिन अगर आप CA करने जा रहे, CA आर्टिकलशिप करने जा रहे हो, और अगर वहां पे अगर आप दिखाना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा आइडिया नहीं है कि अगर आप CA को गाइड कर रहे हो अगर आप दिखा रहे हो, तो थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सर, बट आप कैसे उसको हैंडल कर लेते हो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो यार ये तो था रेज्यूमे, अगर आप आर्टिकलशिप लेने जा रहे हो तो आप लोग कैसे ले उसको दिखा सकते हो, या न्यू आर्टिकलशिप ओल्ड आर्टिकलशिप, जाओ नीचे जाओ, हमारी वेबसाइट है वहाँ पे से डाउनलोड करो, और इसको सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं रिप्लेस करो। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने, बहुत ही क्रिस्प बनाई है, ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आए। अगर आप चाहोगे डिटेल वीडियो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, आपको डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, जाते जाते लास्ट बात ये दोस्तों, पढ़ने के लिए नहीं सीखने के पढ़ो, क्योंकि सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। जय हिंद, वंदे मातरम।